हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ मोबाइल डॉक्टर मिजानुर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एक रेडमी 6 प्रो की MMC चेंज किया था और उसका IMEI नंबर रिपेयर करना बाकी था, तो आज हम उसका IMEI नंबर रिपेयर बिल्कुल आसान तरीके से करके दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये वही मोबाइल है जिसकी MMC को मैंने चेंज किया था और उसके बाद इसका IMEI नंबर रिपेयर करने के लिए मैंने बहुत सारे मेथड अप्लाई किया, बट IMEI नंबर रिपेयर करने के बाद भी नेटवर्क नहीं आ रहा। देखिए, इसमें नो सर्विस शो कर रहा है और मैंने कम से कम 10 बार से ज़्यादा इसका MMC रीप्रोग्राम, QCN राइट सब कुछ करके ट्राई किया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। और इतने बार फेल होने के बाद फाइनली हमको सक्सेस मिला और तब मुझे मालूम हुआ कि मैं बार बार एक छोटा सा गलती किया जिसके वजह से हमारा काम सक्सेस नहीं हो रहा है। तो आज मैं जिस तरीके से इस मोबाइल को IMEI नंबर रिपेयर करूँगा, वो तरीका अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको 100% सक्सेस मिलेगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये मोबाइल जब मार्केट में आया था तब इसका एंड्रॉयड वर्जन क्या था, और ये सब रेडमी मोबाइल का IMEI नंबर रिपेयर करने के लिए देखना ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, ये एंड्रॉयड 8.1 के साथ ये मोबाइल मार्केट में लॉन्च हुआ था, तो हमें यही वर्जन वाला फाइल से IMEI नंबर रिपेयर करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पर ही गलती किया था, एंड्रॉयड 8.1 के जगह बार बार एंड्रॉयड 9 वर्जन से मैंने ट्राई किया था, इसलिए सक्सेस नहीं हुआ। तो अब हम इसका फ्लैश फाइल एंड्रॉयड 8.1 डाउनलोड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये फाइल हमको चाहिए। ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी फाइल को डाउनलोड करके रख दिया है और इस फाइल को IMEI नंबर रिपेयर करने के लिए मैंने स्टोर किया। देखिए, इसमें QCN टूल है सिंगल IMEI नंबर को डबल करने के लिए, और ये टेस्टेड QCN फाइल है और ये हमारी टेस्टेड मॉडेम फाइल है, इसको राइट करना ज़रूरी है, नहीं तो QCN राइट करने के बाद NB डाटा इस करप्टेड का मैसेज शो करेगा। तो अभी हम मोबाइल को एक बार फ्लैशिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका MMC को फॉर्मेट करके क्लीन करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी QCN राइट किया है तो मैं आपको फ्रेश करके दिखाना चाहता हूँ।
अब हम फ्लैशिंग करेंगे, आईएमई नंबर का प्रोटेक्शन हटा देंगे सिक्योरिटी एरिया को पूरी तरह से क्लीन करने के लिए। देखिए मोबाइल फ्लैशिंग होने के बाद इसमें आईएमई नंबर नहीं है। अब हम मॉडल फाइल को राइट करेंगे। तो अब हम डायग्नोस्टिक पोर्ट ऑन करके क्यूसीएन राइट करेंगे। Thank you.
देखिए फ्रेंड्स, मोबाइल में नेटवर्क आ चुका है। एक बार दोनों सिम लगा के चेक करते हैं। देखिए दोनों नेटवर्क आ चुका है। अब हम इसमें लेटेस्ट वर्जन फाइल से फ्लैशिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लेटेस्ट वर्जन में भी नेटवर्क आ चुका है। अब हम खुद इसका ऑटो अपडेट को स्टॉप कर देंगे, नहीं तो अपडेट होने के बाद मोबाइल डेड हो जाएगा और कस्टमर दोबारा मेरे पास आके परेशानी करेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और आपने अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए 100% टेस्टेड और नॉलेजेबल वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ।